बेतिया में एनजीओ द्वारा घटिया मध्याह्न भोजन देने पर स्कूली बच्चों ने जमकर बवाल काटा है। बच्चों ने खाना फेंक घंटों प्रदर्शन किया। मामला जिले के मझौलिया प्रखंड के कुर्नी टोला बकरिया स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है, जहां बुधवार को घटिया एमडीएम देखकर छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए छात्रों ने खाना को फेंक कर घंटों प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि मध्याह्न भोजन हमेशा बदबूदार, कीड़ा कंकड़ एवं बासी दी जाती है, जो इंसान को कौन कहे जानवरों के लायक भी नहीं होती है, जिस कारण छात्रों को घर जाकर भोजन करना पड़ता है। मजबूरन उन्हें घटिया खाना को विद्यालय के पीछे फेंकना पड़ता है, जो कई दिनों तक पड़ा रहता है, जिसे पशु भी नहीं खाते हैं। छात्रों ने बताया कि जब से एनजीओ द्वारा भोजन आपूर्ति की जा रही है, तभी से विद्यालय में छात्रों को घटिया भोजन दिया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि पूर्व में विद्यालय में बनने वाला भोजन ही अच्छा था। इधर सूचना पाकर पहुंचे अभिभावकों ने भी जमकर बवाल काटा तथा भोजन आपूर्ति करने वाले एनजीओ पर जांच कर कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। प्रभारी प्रधानाध्यापक फिरोज अहमद ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए भोजन को घटिया बताया है। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इकबाल राम ने बताया है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी एनजीओ द्वारा घटिया खाना आपूर्ति किया जा रहा है, जो जांच का विषय है। का नाम पड़ी रहो लोग बोल रहे हैं कि खाना सही नहीं आ रहा है, कभी दाल खाता तो कभी सब्जी खाता, कभी खिचड़ी खाता। लगता है कि डेली के डेली खाना ये लोग गड्ढा में बिक रहा है। लोग हम लोग कभी कभी आते हैं तो देखते हैं बच्चा खाना नहीं है, आते हैं कि खाना फिर सब स्कूल में बने, बढ़िया से बने, बच्चे लोग खाए। क्या नाम है आपका? मुक्ति पटेल बखरिया। खाना आता है तो कभी जो सब्जी जो अच्छा नहीं आता है, बच्चों का आरोप है कि हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा नहीं, सारे बच्चे जो खाना जो बंद कर दिया है। क्या नाम हो आपका? आप कौन है? हम जो है अभी जो है विद्यालय के प्रभारी शिक्षक है, क्योंकि प्रधानाध्यापक महोदय जो प्रशिक्षण सीतामढ़ी। समस्या तो यही है कि स्कूल का मास्टर और बच्चे हमेशा कहते हैं कि मुखिया जी चल कर देखिए खाना सही नहीं आ रहा है, खाना बहुत रदी से रदी है, बच्चा खाना नहीं खाता है, खाना फेंक दिया जाता है। तो हमने दो दिन गए हैं स्कूल में, आज भी गए हैं तो देखे कि खाना फेंका हुआ है, बच्चा नहीं खा रहा है। समस्या यह है कि जब तक खाना आता है तब से कोई बच्चा खाना नहीं खाता है, सारी खाना फेंका जा रहा है, बेकार है, और बच्चा भी बीमार हो जाता है। अभी हमारे बबुआरवा में बच्चा सब बीमार हुआ था, 51 बच्चे बीमार हुआ था, इसी खाना के कारण बच्चे बीमार हो गया। इसके डर से बच्चा और खाना नहीं खाता है। आज देखें कि आलू का ढेला जैसे चोखा बना था और खिचड़ी भात मालूम पड़ता डंगर का इति बना है, ब्रांड उसमें कर दिया जाता है डंगर को, जो माल मवेशी खिलाया जाता है उस तरह खिचड़ी आया था। लेकर आए थे वो खाना लेकर आए थे, बोले थे सीखने के लिए, वो वीडियो बना रहे थे। मैं उस खाना को देखा तो उसमें था कि खाना जो है था एटी था थोड़ा खट्टा टाइप के लग रहा था। मैं उस वीडियो में स्पष्ट कह दिया हूँ, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, पदाधिकारी या कोई भी हम उनके सामने डायरेक्ट बोल सकते हैं थोड़ा खाना में गड़बड़ी है, बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी खाना खाया तो उसमें खट्टा था। आप इस विद्यालय के कौन हैं? मैं शिक्षक हूँ, यहाँ का सहायक शिक्षक हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है? मोहम्मद अयतुल्ला। आवे लागल तब से खाना बिगला के मेरा ढेरी लागल बस। क्या नाम पड़ी रहो? हमार कलावती देवी। ए हां मैं ऐसा खाना अच्छा कहियो नहीं किया। हां सब को नहीं आओ खाओ, देखिए चोखा खिचड़ी कैसे आ रहा है, रोज का रोज है।